हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया, चलो बढ़िया चलनी भी चाहिए। आशा करता हूँ कि बढ़िया ही चल रही हो। ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स में हमने अलजेब्रा को पढ़ा था, अब हम ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ेंगे। ठीक है, अब ट्रिगोनोमेट्री में ऐसे तो कहते हैं कि थ्री साइड्स का मेजरमेंट, हाँ तो थ्री साइड्स का मेजरमेंट के साथ साथ हमें एंगल का भी मेजरमेंट करना पड़ता है उसका। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल का एंगल का भी मेजरमेंट करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे ताने बाने बुनने होते हैं। ठीक है, एंगल का मेजरमेंट, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू किसी स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए, उसके बाद कंपाउंड एंगल्स का फॉर्मूला, हाफ एंगल्स का फॉर्मूला, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ को कवर करेंगे। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में, साइन कन्वेंशन एंड स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू क्या होगा उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहां पर ट्राई मतलब थ्री, ओके, गोनो मतलब साइड्स, एंड मेट्री मतलब मेजरमेंट, मतलब मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स। ठीक है, ए ट्रिगोमेट्री का यही मतलब होता है। यहां से ये थ्री, ए ट्राई, गोनो, मेट, अनमेट, ये तीन पार्ट्स में बटा हुआ है। लेकिन सिर्फ कहने के लिए थ्री साइड्स है, लेकिन एंगल्स का भी हम कॉन्सेप्ट यहां से लेते हैं, एंगल्स भी मेजर होता है। ओके, चलिए अब देखिए एंगल का कॉन्सेप्ट, पहले एंगल समझते हैं। एंगल क्या होता है आप जानते होंगे, दो जब रेज आपस में एक पॉइंट पर मिलते हैं तो उनके झुकान से कहते हैं ना, वो जो बेंड होता है उसकी वजह से एंगल बनता है। तो थीटा है, ये दो है और दो रेज है, और ये मान लीजिए ओ ए है और ये बी है, और यही रेज यहां से यहां तक आया तो ये क्या बनाएगा, एंगल थीटा बनाएगा। अब देखो ये जो थीटा है, अगर मान लो ये ऐसे रोटेट करा, ठीक है, ऐसे करके गया, तो इसको क्या कहेंगे आप, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जो एंगल होता है, क्लॉकवाइज जो एंगल होगा उसको हम क्या लेते हैं बेटा, ये इसको कंसिडर करते हैं पॉजिटिव। और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज जो होता है, एंटी क्लॉकवाइज, वो अगर मान लीजिए हम नीचे ले आए हैं इस चीज को, जैसे ये ऐसे है, ये ऐसे था, मान लो सपोज करो ये ऐसे है ओ, और ये हम यहां लेके आ जाए, ठीक है, नीचे तो माइनस थीटा होगा, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नेगेटिव। समझ में आई बात है? अब एक तो ये बात है कि डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेते हैं एंगल के केस में, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेते हैं। अब हमें मान लीजिए थीटा का वैल्यू निकालना है, यहां पर थीटा दिया हुआ है, ये आर्क लेंथ है और ये रेडियस है, ये आर है। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, यही तो होता है। तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बताओ मुझे, एल अपॉन आर। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर हो गया। अच्छा, अब इसको मेजर करने के बहुत सारे यूनिट है, जिसमें डिग्री एंड रेडियन दो ही आपको जानकारी में रखना है, या जानकारी में तो बहुत सारे रख सकते हैं, लेकिन जो दो ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होगा। और आप जानते हैं रेडियन क्या है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट। ठीक है, रेडियन जो है ना, प्लेन एंगल्स को मेजर करते हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में आता है प्लेन एंगल्स, उसको मेजर करने का ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन है। तो इसका ऐसा यूनिट तो रेडियन है, लेकिन अगर ये पूरा सर्कल बना ले ऐसे करके घूम के आ जाए, तो ये अपने सेंटर पर किसी पॉइंट पर, आप जानते हैं 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो यहां पर बनाएगा 360 डिग्री, और दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन। इसको क्या कहते हैं, 2 पाई रेडियन। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? तो 2 पाई रेडियन जो है, अब इसी चीज को अगर घुमा दोगे तो कितना होगा, 180 डिग्री, ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, पाई रेडियन। क्या हम याद रखेंगे इस चीज को कि 180 डिग्री जो होगा वो किसके इक्वल होगा, पाई रेडियन के। ओके, अब ये पाई रेडियन जो हो गया, अगर मान लीजिए हम 1 रेडियन ले तो कितना वैल्यू आएगा फॉर 1 रेडियन। अब यहां पर इसको मैं रफ कर देता हूं, और या यहीं पर लिख दूं, देखो फॉर 1 रेडियन, 1 रेडियन अगर ले हम तो कितना हो जाएगा बताओ मुझे, 180 अपॉन 3.414, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 57.3 डिग्री। क्या मैं बातें समझ में आ रही, मतलब 1 रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्री, ये वैल्यू याद रखें आप, क्लियर है। अब चलो अगर मान लो हमें कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू दिया हुआ है, स्टैंडर्ड एंगल्स दिया हुआ है, ठीक है, और उसका हमें रेडियन में उसको कन्वर्ट करना है,
ठीक है। तो हम कैसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, एक देख लो, कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन, रेडियन में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये कन्वर्जन हमें डिग्री से किसमें करना है बेटा, रेडियन में, ओके। सेट भी ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर पहला है, मान लो 0 डिग्री को कन्वर्ट करना, तो 0 डिग्री को तो 0 ही होगा, तो 30 डिग्री कर लो। 30 डिग्री को कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, देखो पाई अपॉन 180 इंटू 30, ठीक है। ये कहाँ से ले आए आप सर, तो पाई अपॉन 60। देखो कहाँ से ले आए, एक तो ऐसे लाइन बनाओ और देखो, देखो यहां पर तुम मुझे एक बताओ, बात बताओ, अभी तुमने क्या पढ़ा, 180 डिग्री इक्वल टू कितना है, पाई रेडियन, यही तो है तुम्हारा। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ मुझे, पाई अपॉन 180 इंटू 30, तो 6, तो पाई अपॉन 6। क्या मैं बातें समझ में आ रही कि नहीं आई, मतलब पाई अपॉन 6 हो गया कि नहीं 30 डिग्री का। अगर मान लो तुमको ये याद रखना बेटा, ठीक है, अगर मान लो 45 डिग्री तुम निकालना चाह रहे हो, तो पाई अपॉन फिर 180 इंटू 45, तो इसको करोगे तो कितना हो जाएगा बता मुझे, इसको कट करोगे, मुझे याद भी है, ये 4 हो जाएगा, तो पाई अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो 45 इसको शॉर्ट करो, 60 लिख लो, ठीक है, ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू तो है, इसको रफ कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ। देखो मान लो हम ये लिखे, ये जो है ना ये 30 है, ये 45 की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, 60 डिग्री, बता कितना लिखेगा, पाई अपॉन 180 इंटू 60, तो ये कितना हो जाएगा 3, मतलब पाई अपॉन 3। इसके बाद 4 है, देख 60 डिग्री है ना, इसके जगह पर तुम स्टैंडर्ड वैल्यू बताओ क्या लिखते हो, इसके बाद 90, तो 90 का कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू 90, तो ये तो पाई अपॉन 2 हो जाएगा, क्या याद रहेगी ना बातें। तो 120 डिग्री का टू लिखोगे तो कितना होगा बताओ मुझे फटाफट, 120 इसको करेंगे तो 2 अपॉन 3, तो 2π/3, उधर नहीं भी दिख रहा होगा तो भी काम चलेगा, क्योंकि ये तो तुमको सिंपल सी बात है। देख इधर 6 लिख, 150 डिग्री मान लो हम लिखे 150, ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू, इसका वैल्यू तुमको जानना है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, तो पाई अपॉन 180 इंटू 150, क्या मैं बातें समझ में आ रही, तो 3 से कट करोगे ना 5/6, 5π/6, ठीक है। और ये 150 है तो 180 जो है ना वो निकालना है आपको, तो कितना हो जाएगा पाई रेडियन, क्या मेरी बातें क्लियर हो रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट एंगल्स, एंगल्स में कन्वर्जन इसी तरह से होते हैं। अब हम करते हैं ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज का पोस्टमार्टम, तो इसको रफ करें। और ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल जो है ना वो एंगल कितना बना था 90 डिग्री का, ठीक है, और यहाँ पर एंगल जो है वो कितना है थीटा है। तो कन्फ्यूजन बच्चों को होता है कौन परपेंडिकुलर होगा कौन बेस होगा, तो ये जो सामने वाला जो लाइन होता है ना ए बी, ये क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये तो जानता ही होगा तुम लोग, टुकलर, इसको पी से डिनोट करते हैं, और ये नीचे वाला क्या है बेस है, इसको बी से डिनोट करते हैं, और जो एडजेसेंट साइड होता है बेस और एट ये इसके साइड्स, इसको क्या बोलते हैं हम हाइपोटेनस, हाइपोटेनस के साथ कंफ्यूज मत होना, हाइपोटेनस बोलते हैं या हाइपोटेनस बोल दो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये क्या है एच, क्या मैं बातें समझ में आ रही है या नहीं। अब इसमें ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज में साइन कॉस टैन का आता है कंसेप्ट, देखो ये क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा या इसी को बोलते हैं एस आई एन ई साइन थीटा, एस आई एन ई थीटा, लेकिन इसको शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ मुझे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कहने का ए बी अपॉन ए सी, क्या मैं बातें समझ में आ रही है। तो ए बी को क्या लिखेगा परपेंडिकुलर अपॉन एच, ओके, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा वो बताओ मुझे, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, मतलब बी सी अपॉन ए सी, तो बी अपॉन एच, क्या बातें क्लियर हो रही है। उसके बाद टैन थीटा हम लिखे हैं, टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी अपॉन बी सी और पी अपॉन बी। अब देखो ये इसी चीज को हमको लेना है,
तो इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, और बी सी को हम लिखेंगे बी अपॉन पी, एंड इसके नीचे होगा सेक, ठीक है। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेक थीटा इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, मतलब एच अपॉन बी, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? नहीं, मैं थोड़ा सा फ्लो में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये तुम जानता है इसको, इतनी बातें समझ में आ रही है। अच्छा, एक बात जो तुम बहुत दिनों से बचपन में ही पढ़ लिया होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, बस नहीं, तो एच की वैल्यू जो निकालेंगे वो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो ये हो गया ट्रिगोमेट्रिक रेशियोस, ठीक है। अब हम साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं इसके, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के साइन कन्वेंशन की, मतलब कहाँ ये पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, ठीक है प्यारे बच्चों, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में हम ए एस टी सी रूल लगाते हैं। हम देखो ये क्या होता है, पहले लिख दिया है लेकिन इसमें समझ लो। देखो ये ऐसे एक क्वाड्रेंट बनाओ, एक सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, एक पॉइंट पर 360 डिग्री का, इतना ही तो एंगल बनता है। ये भी लिख लो, यहाँ पर एंगल के कॉन्सेप्ट में लिखा देते लेकिन लिख लो, एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट 360 डिग्री एंगल विल बी मेट, विल बी मेट, बनेगा कितना, या होता है 360 डिग्री पर, एक किसी भी पॉइंट पर जो एंगल बनता है वो कितना आता है 360 डिग्री का। अब देखो ये y है, ये y डैश है, ये एंगल का डिवीजन ही हो रहा है, ये x डैश है, ये x है, तो मुझे बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब बता मुझे, इससे ज़्यादा तो एंगल बनता नहीं, ये प्लेन एंगल की बात ही तो हो रही है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं ये किसके लिए पढ़ रहे हैं, थ्री डी के लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, प्लेन एंगल के लिए पढ़ रहे हैं। अब प्लेन में किसी पॉइंट पर एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री, एट एनी पॉइंट 360 डिग्री एंगल विल बी मेट, किसी भी पॉइंट पर जो एंगल बनता है, और 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री एंगल, या फिर इसी चीज को लिख लेंगे 2 पाई रेडियन, यही तो है। अब हमें यहां पर बता, ये ASTC का मतलब होता है आफ्टर स्कूल, आफ्टर स्कूल, ये बड़ा से लिख लो कैपिटल से, स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज टू भी कैपिटल में लिख, टी का वैल्यू टी कैपिटल। कहने का मतलब ये है कि इसमें सारे जो होंगे ना ऑल पॉजिटिव होगा, सारे ये जितने भी ट्रिगोमेट्रिकल सिक्स रेशियो सिखाया ना अभी, ये सारे पॉजिटिव होंगे। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होंगे कौन कौन पॉजिटिव होगा, साइन एंड साइन थीटा एंड एंड कॉसेक, साथ में लिख लो कॉसेक थीटा, बाकी नहीं होंगे। तो एस से क्या होता है, साइन होता है, ठीक है, इसलिए ये ट्रिक से याद रखोगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, और कॉलेज में क्या क्या होता है, टू में क्या होता है टैन, टैन और इसका रेसिप्रोकल और कॉट थीटा, दो ही होंगे, ओके। एंड इसके बाद जो होगा ये क्या होगा, कॉस थीटा और सेक थीटा। क्या हमें बातें समझ में आ रही, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में यही पॉजिटिव होगा, क्लियर है, मतलब इसको थोड़ा सा समझ लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक का होगा, 0 to 90 जो होता है ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 to 180 जो होता है ना वो सेकेंड क्वाड्रेंट है, 180 to 270 ये जो है ना थर्ड क्वाड्रेंट है, और 270 से यहाँ से 2 360 ये जो होगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो प्रश्न उठता है कि 90 किस क्वाड्रेंट में आएगा, 90 पार्टीशन लाइन है, ठीक है, डिवीजन लाइन है, तो वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव का क्या कॉन्सेप्ट होता है, चलो निकालते हैं वैल्यू, तो अपने आप समझ में आ जाएगा तुमको, ठीक है। तो ये था स्टैंडर्ड वैल्यू, ये पार्टीशन लाइन्स है, ओके।
जीरो से 91st क्वाड्रेंट, 90 से 182nd क्वाड्रेंट, 180 से 273rd क्वाड्रेंट, 270 से 360 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या हमें बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही? तो ये था साइन कन्वेंशन ASTC रूल आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। सिंपल सा, बच्चे पूछ रहे थे कि क्या होगा, तो किसी पॉइंट पर ये एंगल, सिंपल सी बात लिख दी, किसी पॉइंट पर एंगल जो बनता है कितना बनता है, 360 डिग्री का एंगल होता है। अब इसको रफ करते हैं और एक टेबल समझा देते हैं आपको। प्यारे बच्चों अब ये ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू किसी स्टैंडर्ड एंगल के लिए कितना होगा, इसका एक टेबल तो मैंने बना दिया, तुमने टेबल पढ़ रखा होगा, लेकिन मैं तुमको चाहता हूँ एक बार मैं बता दूँ बना करके। ओके, देखो इधर इसका तुमने सीखा होगा तरीका, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से करते हैं और सब में क्या कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। एंड साइन थीटा के लिए निकालो, मैं पहले लिखता हूँ साइन थीटा के लिए, ठीक है, और जीरो से लेकर के 90 तक का पहले निकालो, ठीक है। अब देखो ये 4 कर देते हैं और सब में क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लगा देते हैं। अब जो वैल्यू आता है वो 0 से लेकर 90 तक का साइन का वैल्यू होता है, तो ये 0 आ जाएगा, 1/2 आएगा, 1/√2 आ जाएगा, नहीं 2 कट करके √3/2 आएगा, 1 आएगा। देखिए इधर यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0, 1/2, 1/√2 and √3/2 and 1। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही? अब देखो इतनी तो 0 से लेकर 1 तक की वैल्यू आ गई है। अब हम इसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट मतलब या कह लो कि अपोजिट डायरेक्शन में फिर रिवर्स कर देते हैं यहाँ से। तो देखो ये हो जाएगा √3/2, ये 1/√2, ओके, और ये 1/2, और अगर 180 की वैल्यू, जस्ट एक तरीका है इधर से। समझ में आई बात है या नहीं आई? आगे देखो यहां पर अगर मान लो ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, नहीं 135-150 डिग्री, तो अगर साइन थीटा नेगेटिव होता रहता सेकेंड क्वाड्रेंट में, तुम यहां माइनस साइन लगाते, लेकिन नेगेटिव तो होता नहीं, तो ये तुम्हारा हो गया किसका, साइन थीटा का वैल्यू, और ये तो तुम जानता ही था पहले से। तो इसी तरह से कॉस थीटा मान लो हम लिखना चाहें, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा उड़ा का अपना समझ लेना, देखो कॉस थीटा का हम वैल्यू लिखना चाहते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू जस्ट यहां से रिवर्स करो, तो 1√3/2, ठीक है, 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0 इतना। अब देखो इसी चीज को, अब जैसे इसमें रिवर्स करा था ना, इसको यहां रिवर्स कर दो, तो 1/2 लेकिन माइनस साइन के साथ, क्यों, क्योंकि 120 अभी साइन कन्वेंशन सिखाया है ASTC रूल, ठीक है, तो उसमें तुमको ASTC रूल TC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ओके, तो -1/2, और यहां पर इसके रिवर्स करोगे तो कितना हो जाएगा, -1/√2, और यहां पर करोगे √3/2, और यहां पर करोगे तो -1। समझ में आ रही बात है? अब सिमिलरली तुम अगर मान लो यहां से ये बातें लिखे, यहां से किसके लिए लिखे आप, टैन के लिए, टैन थीटा के लिए, ठीक है। देखो एक फॉर्मूला सिखा देता हूं मैं, वैसे तू जानता होगा मे बी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टैन थीटा। क्या मैं बातें समझ में आ रही, टैन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो लिखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 0। इसको करोगे तो एक कट जाएगा और 1/√3, और इसको करोगे तो 1 होगा, इसको करेंगे इसको √3 हो जाएगा, और ये अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या मैं बातें समझ में आ रही? अब इसी चीज को रिवर्स कर देना करना है। देखो यहां से चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता है, तो तुमको -√3 लिखना पड़ेगा, -1 लिखना पड़ेगा, यहाँ -1/√3 और यहाँ 0। और अब सिंपल सा, 3 तो हमने लिख लिया, तो अब हम नेक्स्ट 3 भी लिख सकते हैं आराम से। देखो इसका रिवर्स क्या होता है, cot थीटा का लिखो, tan का रिवर्स ही तो होता है 1/, ये जो करोगे ना इसका, ठीक है, तो 1/0, तो ये क्या देगा, इन्फिनिटी। और वैसे यहाँ से रिवर्स लिख लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ √3 और 1/√3, और ये करोगे तो कितना हो जाएगा, 0। बस इसी चीज को तो रिवर्स लिखे यहां से लेके यहां, ओके, यहां सिमिलरली यहां देखो इसको करोगे तो -1/√3, -1 -√3,
और इन्फिनिटी। कॉस थीटा को हम लिखेंगे सेक थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा में चलो बोलो कितना लिखोगे, सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/1 टू अपॉन रूट थ्री, रूट टू टू, और इसका रिसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। नहीं, सेक का इसका रिसिप्रोकल तो होता है, तो माइनस टू, तो माइनस रूट टू, माइनस टू अपॉन रूट थ्री, और इसको करेंगे माइनस वन। क्या मैं बात समझ पा रही, आई रिसिप्रोकल करके, ओके। और सेक नहीं, ये कॉसेक थीटा हो गया, और कॉसेक थीटा का वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, 1/2, और रूट टू है और 2/√3 है, 1 है यहाँ पर, 2/√3, रूट टू हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हमें बातें इतनी समझ में आ रही है, जस्ट जैसे पोकल ही तो करना है इसका। तो ये था कंप्लीट टेबल। नेगेटिव साइन क्यों लगाया, यहाँ पर नेगेटिव नहीं लगा, देख पॉजिटिव ही है। नेगेटिव साइन क्यों लगाया, क्योंकि उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट तक यूज किया है, बाकी मैं निकालना सिखा दूंगा। ये टेबल याद रहेगा तो रेस्ट भी, मतलब 180 से जो ज़्यादा भी होगा, 200 मान लो 210 हो रहा है, उसकी वैल्यू निकालना हम सीख लेंगे। ये टेबल ये लिखनी आपको याद रहना चाहिए, समझ में आई बात है। तो दिस इज कंप्लीट एनालिसिस ऑफ टूडेज क्लास। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं ट्रिगोनोमेट्री के, जिसमें हम कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला समझेंगे, ठीक है, एलाइड एंगल्स के फॉर्मूले को समझेंगे। अब ये सब चीज़ें नई नई बातें होगी, तो इसलिए तब तक वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद, एंड गॉड ब्लेस यू।